आज इतने दिनों बाद हम ऑफिस ओपन कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी है लंच के बाद का टाइम। अभी मैं एक्चुअली जा रही हूँ ऑफिस और आपको भी दिखाना है। लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन ऐसे होता जा रहा था और हम ऑफिस ओपन करना तो दूर की बात है। ऑफिस का जो इंटीरियर का काम है वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी दो तीन दिन तक शायद काम चलता रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेन जो कंपनी का बोर्ड है वही अभी तक नहीं लगाया गया। तो सारे शॉप्स बंद है तो उन लोगों का भी काम करना बंद है और सारे के सारे वर्कर है वो सारे मुर्शिदाबाद से है और मुर्शिदाबाद काफ़ी दूर है तो सब अपने अपने घर चले गए थे, तो इसके कारण सारे काम बंद पड़ गया था। तो एम्प्लॉयज़ भी नहीं आ पा रहे थे तो अभी हम कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर सकते हैं। अभी लगभग काम का जो फील्ड है वो अभी अनलॉक हो चुका है। आपको भी ऑफिस थोड़ा सा दिखाना बनता है और मुझे भी थोड़ा सा देखना है कि कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैं भी भूल भी चुकी हूँ कि हमारा पार्किंग कौन सा है। इतने दिन अगर आप ना हो ना, मैं देख रही हूँ कि मिथुन गलत पार्किंग में लगा रहा है एक कार अपना। फिर बोल रहा है कि तुम्हारे पार्किंग भी भूल गए, नंबर भी भूल गए ऑफिस का। मैं बोला हाँ। सर यहाँ नीचे दुकान ले रहे हैं, नीचे सात छः नंबर, सात नंबर। चलो आ गए हम, भाग भी हो रहा है, काम भी साथ में साथ में हो रहा है। और ये कुछ गार्लिक और इसी सोफा का और एक सेट आप मेरे घर में देखते हो। किसने कहा था कि ये आपने नया लिया? जी नहीं, ये यहाँ की तरफ से दिया गया है। पर इससे आपको क्या जाएगा, ये देख के क्या फायदा होगा? आपको तो फायदा होगा किचन देख के। ये हमारा पैंट्री। बाप रे, इसे पैंट्री कहो या स्टोर रूम कहो, कुछ पानी का बॉटल, फ्रिज या चाय का कोई क्या क्या सामान है मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे अभी चाय पीना है तो अभी शाम के टाइम में सबके साथ चाय पीना है। अभी तक काम ही खत्म नहीं हुआ तो कौन सा कहाँ पे रखना है क्या बता। ये है सारे रोज, जहाँ पे जिनको बैठना है बैठ सकते हैं। ये केबिन के सामने एक छोटा सा और एक रो, और अकाउंट टीम के लिए वो है रो। ये है मिथुन का केबिन, पर ये केबिन भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये फ्लोर आधा करने के बाद ये का जो कारपेट है वो ख़त्म हो चुका है तो ये बाकी के लिए अभी लेने गए हैं। और अभी बैल्कनी कर रहे हैं, बैल्कनी में ग्रास लगाना है। यहाँ का स्विच कहाँ पे पता, चलो हो गया लाइट। ये रहा मिथुन का केबिन, यहाँ का स्विच का। ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। अभी आ गया हमारा चाय, तो अभी थोड़ा सा और पैंट्री में थोड़ा सा जगह भी नहीं है। चाय ना डालू कहाँ पे? पैंट्री में जगह भी नहीं है। ये सब खजाना की गलती है। पैंट्री बस नाम का है और कुछ नहीं आता उसमें। सबसे पहले जगह को क्लीन करना है। खजाना यहाँ पे काम करना चाहिए। जगह उधर सारे रखा। चलो सबका चाय, चलो चलो। मुझे लगा था कि मुझे एक एक कप में डालना पड़ेगा। अच्छा है नहीं आएगा, अगर गिरेगा तो पूरा नहीं आएगा। बाहर का चाय हमेशा अच्छा ही होता है। इतना भी अच्छा नहीं बनाती कि मेरे फ्यूचर के बारे में तुम सोचो। छोटू चाय वाला
छोटू चाय वाला। अरे व्लॉगिंग छोड़ के मैं छोटू चाय वाला, अरे ऑफिस के नीचे या सोसाइटी के नीचे भी चाय का शॉप देना पड़ेगा, छोटू चाय वाला। सारी बातों में एक बार मैं भूल गई, मैं कितने दिनों बाद भूल जाती रही। हाँ सच में, शायद इसलिए इतना टेस्ट लग रही है, तुम लोगों को भी ऐसा टेस्ट लग रहा है। इस वाला भी टेस्टी है। नहीं मतलब हमारे यहाँ पे कोई चाय नहीं पिएगा, ये हमारा इंसल्ट है। हाँ भाई चाताल, भाई चाताल के यहाँ पे भी चाय नहीं पिएगा, ये हो सकता है। पैंट्री है छोटा सा, पानी का बॉटल भी आ चुका है। अभी अमेजन में कुछ चीज़ें लेने के लिए मतलब ऑर्डर की है, वो है मैट, फिर बॉटल, हर एक रुपये के नाम पे एक एक बॉटल। और क्या ऑर्डर किया था, हाँ बस इतने शायद। तो ये जो छोटा वाला फ्रिज है, याद है एल जी का, सारी चीज़ खरीदने के लिए ये हमें फ्री में मिला था एल जी की तरफ से। तो ये छोटा वाला फ्रिज यहाँ पे लेके आ गए, पर यहाँ पे कोई स्टैम्प में ये से रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो काउंटर टॉप है ये और भी छोटा पड़ जाएगा। ऑस्कर का सबसे पहला जो टारगेट रहता है वो वही है। शाम हो गया और ऑस्कर को नीचे रख के मैं गई थी और ऑस्कर ने अभी तक लाइट भी ऑन नहीं किया, देखो। तो चलिए अभी बनाते हैं डिनर, और डिनर बनाने की सारी तैयारी हो चुका है। आज बनाऊंगी मैं तड़का, तड़के का दाल, एक्चुअली हरा मूंग, वो बनाऊंगी मैं चिकन के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनता है और आर्यन भी खाता है। और इसके सारे सामान यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो कोई भी चीज़ अगर पहले से रेडी करना तो कुकिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये रहा तड़के का दाल यानी कि हरा मूंग, जो कि मैंने सुबह भिगो के रखी थी। अभी ऑफिस से लौटने के बाद मैंने इसे बॉईल किया 2 व्हिसल से, और अभी मैं क्या करूँगी, चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद उसमें मैं डाल दूंगी ये दाल, और सब मिला के हो जाएगा चिकन तड़का। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो तब भी बीच बीच में ये भाई साहब आके एक बार ताल झक कर लेते कि अगर कुछ मिल जाए तो। शेयर करूंगी ऑस्कर्स होम डेकोरेशन आइडिया, जैसे कि कुशन यहाँ पे होना चाहिए, कभी कभार कुशन बाथरूम के बिल्कुल दरवाजा के सामने भी होना चाहिए, और ऐसा ऑस्कर को लगता है। तो ये लो तैयार है हमारा तड़का, लजीज, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, और इसका जो खुशबू है ना वो आसपास के लोग भी भाग के चले आएंगे, दरवाज़ा तोड़ के चले आएंगे। उसके बाद कोई ना कोई मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे कि खुद ही बनाते हो, खुद ही उसका तारीफ़ करते हो, क्योंकि मेरे घर में और कोई है नहीं कि मेरा तारीफ़ करे, और ये लोग इनको ज़बरदस्ती तारीफ़ करवाना पड़ता है एवरीडे। अच्छा नहीं लगता किसी को प्रेशर करना। मैं कैमरे के सामने नहीं करता, आज तुम्हें बोला ना प्रॉन कितना अच्छा बनाया। हाँ आज कोकोनट और मस्टर्ड सीड एक साथ पेस्ट बना के जो प्रॉन का जो भापा बना था ना वो किया था, और वो हमेशा की तरह अच्छा बना। तो जो भी हो चलो अभी टेस्ट तो थोड़ा सा किया था, तो अभी आपके सामने थोड़ा सा कर लेते। चिकन का खुशबू, उसके साथ स्पाइसी थोड़ा सा, मतलब ग्रीन चिली थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, उसके बाद थोड़ा सा घी भी ऐड की है। तड़का अच्छा बनने का एक छोटा सा टिप मैं आपको दे दूं, तड़के का दाल जब भी आप बनाएंगे तो उसमें मेथी सीड्स छोंक देना, ऑयल या घी में मेथी सीड्स,
उसके साथ गरम मसाला, होल गरम मसाला, ये दो तीन चीज अगर आप देते हो तो तड़के का खुशबू अलग होता है। और इसमें कोई भी रेडीमेड गरम मसाला यूज मत करो, घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज करो, माइंड ब्लोइंग उसमें टेस्ट और खुशबू दोनों ही आता है। तो ये है दोपहर का थोड़ा सा श्रिम्प भापा जिसका तारीफ अभी हो रहा था। तो ये अभी तो गर्म है, ये आर्यन के लिए मैंने रखा है। तो चलिए गाइस आज इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। और ये खाते हुए हम टीवी देख रहे हैं। क्रिम्सन जिहाद्स विलिंगनेस टू बी ह्यूमैनिटेरियन मेजर अमेरिकन सिटी ईच वीक। बात है अजीज।